नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। तो इस पाठ में हमें जो है भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन किस तरह से हुआ, किस तरह से वे भारत में आए, यहाँ पर आके बसे और उन्होंने अपना वर्चस्व किस तरह से जमाया, इस सब के विषय में जानकारी दी गई है। पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। संसार के बहुत से लोग जो है हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग जो है वो यहाँ पर आकर रहते थे और वे लोग धन कमाने के लिए आतुर भी थे, क्योंकि हमारे देश की जो समृद्धि और संस्कृति थी उससे काफ़ी लोग प्रभावित थे। जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से या विदेशी व्यापारी जो है वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से अरब सागर के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु तुर्कों ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण जो है यह स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया, जिसके कारण यूरोपियंस देशों में भारत की चीज वस्तु जैसे कि रेशमी, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेजपत्ता आदि की मांग बढ़ गई और इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देश के लोग जो है उन्होंने भारत पहुंचने के लिए जलमार्ग के खोजने की योजना बनाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि विदेश जो है वहाँ के साथ हमारा देश का जो है व्यापार वायव्य सीमा से होता रहता था और स्थल मार्ग से जो है यहाँ पे अरब देश के जो व्यापारी है वे लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, परंतु अब जो है यहाँ पे उस दोनों के बीच के जो है यहाँ पे जो सेंटर जो केंद्र था वह यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल था, जहाँ के द्वारा जिस रास्ते के द्वारा आया जाता था और जाया जाता था। परंतु अब यहाँ पे तुर्क मुस्लिम उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था तुर्कों ने। उसके बाद में परिस्थिति में परिवर्तन आने के कारण जो स्थल मार्ग द्वारा होने वाला जो व्यापार था वह रुक गया था, वह कुछ समय के लिए स्थगित भी हो गया था, जिसके कारण यूरोपियंस में जो है अब भारत के मिर्च मसाला, कपड़ा, मलमल, तेजपत्ता वगैरह जो है इन सब की मांग बढ़ गई थी और अब इस परिस्थिति में जो है उनको इस सब के बिना चलने वाला नहीं था। इसलिए अधिकांश यूरोपियंस ने जो है भारत आने के लिए जो है भारत तक पहुंचने के जो है जल मार्ग खोजने की उन्होंने यहाँ पर जो है शुरुआत की। तो यहाँ पे जो है जल मार्ग का रास्ता किस प्रकार से कहाँ से होकर जो है खोजा गया उसके विषय में आपको इस नक्शे में बताया गया है। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने की शुरुआत भी की। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसी में से एक जो है इटली में रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से जाया जा सकता है, ऐसा क्यों विचार किया होगा इस पर विचार करें। कोलंबस ईस्वी सन 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को जो है रेड इंडियन और उसके किनारों के जो है टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताया गया है कि भारत आने के लिए जलमार्ग खोजने का जो है काफ़ी अलग अलग जो साहसिक वो लोग जो है जलमार्ग खोज रहे थे, परंतु इटली में रहने वाले प्रसिद्ध जो है क्रिस्टोफर कोलंबस थे। उनका मानना था कि अगर पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है, और कोलंबस ने जो है 1942 में भारत आने के लिए निकले, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुँचे। और वे जब तक जीवित थे तब तक जो है उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने हिंदुस्तान को खोजा है, परंतु वास्तव में जो है उन्होंने अमेरिका प्रदेश जो है अमेरिका को खोजा था। और इस बात की स्पष्टता जो है वह अमेरिको वेस्पुची ने की थी। और आज भी जो है अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापुओं को जो है वेस्ट इंडीज कहा जाता है। उसके बाद है वास्को द गामा। भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। उसका
जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के किनारे पूर्वी मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक जो खलासी है उसकी मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा जामोरिन थे और जामोरिन राजा ने जो है पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत आने का जो जलमार्ग है वह वास्तव में वास्को द गामा ने खोजा था और वो जो है यहाँ पे उन्होंने 22 मई सन 1498 को जो है वे कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे और कालीकट में उस समय जो राजा है वह जामोरिन थे और उन्होंने यहाँ पे जो है पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी थी। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनवाकर अल्बुकर्क नाम के एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। अल्बुकर्क जो है उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में उन्होंने गोवा जीत लिया था। 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने जो है मैंगलोर कोचीन लंका दीव गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1502 में जो है पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट जो है वहाँ पर एक कोठी की स्थापना की और उसके चारों तरफ उन्होंने किला बनवाकर अल्बुकर्क नाम के एक सेनापति को जो है उसका रक्षक नियुक्त किया। अल्बुकर्क जो है उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में उन्होंने गोवा जीत लिया था और 100 वर्षों में जो है उन्होंने मैंगलोर कोचीन लंका दीव गोवा और मुंबई के टापुओं पर जो है अपना नियंत्रण भी स्थापित किया। उसके बाद है पुर्तगाली शासन का अंत। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का जो है यहाँ पे व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा था। इस समय मुगल बादशाह शाहजहाँ जो है दिल्ली की गद्दी पर था। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की शिकायत शाहजहाँ से की। परिणाम स्वरूप शाहजहाँ के आदेश से जो है पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और उसके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों का शासन अब केवल दीव दमन और गोवा तक ही सीमित हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या गया बताया गया है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा था और उस समय बंगाल की गद्दी पर जो शाहजहाँ जो है यहाँ पे वे दिल्ली की गद्दी पर थे और बंगाल में जो है उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के जो भी दुर्व्यवहार है उसकी शिकायत शाहजहाँ से की, जिसके परिणाम स्वरूप शाहजहाँ के आदेश से जो है पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और उनके जहाजी बेड़ों को भी जला दिया गया था। इस तरह से वहाँ से जो है पुर्तगालियों का शासन का अंत हुआ और केवल जो है यहाँ पे पुर्तगालियों के पास दीव दमन और गोवा ही रहा। डच प्रजा, तो उसके बाद में हमें जो है आगे डच के विषय में बताया गया है। पुर्तगालियों के आगमन के बाद के 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड जो है वहाँ के वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए थे कि पुर्तगाली जो है यहाँ पे उनका जो है काफ़ी प्रचार हुआ काफ़ी यहाँ पे जो है उनका प्रचार हुआ और उन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी समृद्धि भी की थी और उनको देखकर यहाँ पे जो है डच के प्रजा भी भारत में जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए और सबसे पहले जो है उन्होंने यहाँ पे पुलिकट और जो है मद्रास जो कि वर्तमान चेन्नई में इन्होंने कोठियाँ स्थापित की। ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठियाँ स्थापित की। उसी समय जो है अंग्रेज भी भारत में आए, डच अंग्रेजों के शासन के स्पर्धा में टिक नहीं सके। भारत पर अंग्रेजों की नज़र। ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 1600 में जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की जो है यह कंपनी थी। ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस जो है इस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि 1608 में पहला जो है यहाँ पे अंग्रेजी जहाजी बेड़ा जो है वह सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और वह जो है यहाँ पे विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में जो है यह कार्य हुआ था।
वह जहांगीर से मिला, परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद आने वाले सर टॉमस रो ने जहांगीर से मिल सूरत में व्यापार करने की उन्हें अनुमति दी। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा और शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। उसके बाद ये फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ईस्वी सन 1664 में स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठिया की स्थापना की और उसके बाद में फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी जो है वह डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियंस शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। इस तरह से यूरोपियंस जो है प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई जिससे अंत में अंग्रेज सफल हुए, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि उसके बाद में फ्रांसीसी जो है वे भी 1664 में जो है यहाँ पे आए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने जो है यहाँ पे सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठियाँ स्थापित की और उनका जो कंपनी का बड़ा अधिकारी था वह डुप्ले था, जिसे भारत के यूरोपियन शासन में जो है उनको विस्तार करने की इच्छा हुई। और सामने जो है वह इंग्लैंड के आए हुए एलिजाबेथ की कंपनी के जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है कई प्रकार के युद्ध भी हुए और अंत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जीत गई और उन्हें उनका जो विस्तार है वह प्रशस्त किया। और अब फ्रांसीसी के पास जो है केवल पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र ही बचे। आगे है बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की थी। अपनी कोठियां उन्होंने यहाँ पे स्थापित की, आसपास किले बनवाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास से जो है वार्षिक खिराज के रकम के बदले में चुकाए बिना व्यापार करने की उन्होंने यहाँ पे अनुमति प्राप्त की। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 1965 में हुगली नदी के किनारे जो है अंग्रेजों ने सबसे पहला व्यापार करने की शुरुआत भी की थी और अपनी कोठियाँ उन्होंने यहाँ स्थापित की, आसपास किले उन्होंने बनवाए थे और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने सैनिक रखे और मुगल बादशाह से जो है यहाँ मुगल बादशाह जो औरंगजेब है उनके पास से बिना रकम चुकाए जो है कर चुकाए बिना जो है यहाँ पे व्यापार करने की उन्होंने अनुमति भी प्राप्त की। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग समय पर ब्रिटिश और उनका स्थानीय आगमन जो है स्थानीय शासन किस प्रकार से हो वह यहाँ पे आपको इस नक्शे में बताया गया है। अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी जो है व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं दे रहे थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने जो है यहाँ पे विरोध किया था। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अंत में उसके परिणाम स्वरूप जो है ईस्वी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे क्या था कि उस समय में औरंगजेब के पास से जो है उन्होंने यहाँ पे बिना कर चुकाए व्यापार करने की जो है कंपनी ने यहाँ पे उनके जो अनुमति ली थी, परंतु अब यहाँ पे जो व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे थे उन लोगों ने भी कर देना बंद किया, जिससे बंगाल में आय होने वाली जो थी कर की वह कम हो गई, जिसका उस समय में बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद अली उन्होंने फिर विरोध किया और यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिसके अंत में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। आगे है प्लासी का युद्ध, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।